For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, my name is Dr. Farah Usman. Today I will discuss the difference between COVID-19 and other illnesses. सबसे पहली बात तो ये कि आज हम जिस पेंडेमिक सिचुएशन में हैं, हमें हर एक पेशेंट को एज अ सस्पेक्टेड केस ऑफ COVID-19 ही देखना पड़ता है, चाहे वो कॉमन कोल्ड या फ्लू का पेशेंट हो या फिर सीजनल एलर्जीज का पेशेंट हो। उसे हम COVID-19 के पेशेंट की तरह ही आइसोलेट करके मैनेज करना स्टार्ट करते हैं, जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि वो COVID-19 का पेशेंट नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि फ्लू में और COVID-19 में डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फ्लू है या COVID-19 है। तो पहली बात तो ये कि फ्लू की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है और COVID-19 की कोई वैक्सीन अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जहां तक सिम्टम्स की बात आ जाती है, तो फ्लू कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स रिलेटिवली माइल्ड होते हैं और COVID-19 के सिम्टम्स अक्सर लोगों में सीवियर होते हैं। फ्लू में रनी नोज का सिम्टम एक मेन सिम्टम देखा जाता है और COVID-19 में ये एक रेयर सिम्टम है, रनी नोज इतना ज्यादा नहीं होता। जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि कॉमन कोल्ड और फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स होते हैं, मतलब आपको नाक बंद होगा आपका या रनी नोज होगा, आपको खांसी होगी, गले में हराश होगी, जिस्म में दर्द होगी, बुखार होगा, आपको लंग्स का इन्फेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, जैसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज या बहुत छोटे बच्चे या बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स देता है। लेकिन जो COVID-19 है उसमें अक्सर लोग थोड़ा सा, मतलब अगर वो माइल्ड से आगे जाते हैं, माइल्ड सिम्टम्स से आगे जाते हैं, तो उन्हें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, मतलब उन्हें लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, नमूनिया और ये सब सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सो ये एक डिफरेंस इनमें मेन है कि फ्लू में अक्सर लोगों में सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स होते हैं और जो COVID-19 है उसमें कई लोग जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स शो कर रहे हैं। और जो फ्लू है वो 2 दिन में अपने सिम्टम्स को शो कर देता है, लेकिन COVID-19 2 से 14 दिन लेता है एक्सपोजर के बाद अपने सिम्टम्स शो करने में। ये फ्लू और COVID-19 में डिफरेंसेस थे। और जहां तक रही सीजनल एलर्जीज की बात, तो उसे आप इसी तरह से डायग्नोज कर सकते हैं कि वो साल के एक खास टाइम में ही आपको सिम्टम्स आते हैं और वो सिम्टम्स आपको हर साल में बाकायदगी से आ रहे होते हैं, और उनमें भी मेन सिम्टम ये होते हैं कि आपको स्नीजिंग होगी बहुत ज्यादा, आपकी आंखों में हारिश होगी, गले में हराश महसूस होगी, और बहुत कम है कि आपको रनी नोज वगैरह स्टार्ट हो जाएगा उसमें। सो उसमें ये इचीनेस वगैरह का सिम्टम मेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि बच्चों में इसके क्या सिम्टम होते हैं। तो बच्चों में इसके सिम्टम्स आम फ्लू या कॉमन कोल्ड से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। बच्चों में वैसे ही फीवर, रनी नोज और कफ के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि आम फ्लू और कॉमन कोल्ड के सिम्टम होते हैं। लेकिन बच्चों में अच्छी बात यह है कि ये सिम्टम्स जल्दी रिकवर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होते। कुछ बच्चों में वॉमिटिंग और डायरिया के सिम्टम्स आ सकते हैं, बहुत कम बच्चों में ऐसा होता है कि ये सिम्टम्स ज्यादा सीवियर की तरफ जाते हैं। उस सूरत में आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना होता है और बच्चों के डेंजर साइंस को आपने देखना होता है कि बच्चे को अगर सांस में तकलीफ तो नहीं हो रही है या फिर जो भी आपके नॉर्मल डेंजर साइंस हैं, जैसे फीवर ना जा रहा हो, सांस में तकलीफ हो, बच्चे के होंठ जो हैं वो आपको नीले महसूस हो रहे हों, या उसकी छाती आपको लगे कि सांस लेते हुए उसकी छाती के मसल्स अंदर की तरफ सक कर रहे हैं, तो ये चंद एक सिम्टम्स हैं। या फिर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हो, बहुत ज्यादा स्लीपी हो रहा हो, तो इन सिम्टम्स में आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे की कंडीशन थोड़ी सी खराब हो रही है, तो आपको फौरन से अपने पीडियाट्रिशियन से रिजू करना चाहिए। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास याद आता है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसके सिम्टम्स किस तरह से डिफरेंस है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसके सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से बाकी लोगों में सिम्टम्स हैं उसी तरह से प्रेग्नेंट फीमेल में इसके सिम्टम्स आते हैं। लेकिन मेन बात जो याद रखने की है वो ये है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स कुछ इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाती है, मतलब उनकी कुव्वत मुदाफियत कुछ कम हो जाती है, तो उन्हें अपने आप को बचाने की ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। तो इस वजह से उन्हें अपने लिए ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, खुद को भी और अपने बच्चे के लिए भी, अपने बच्चे की सेहत के लिए भी, बाकी लोगों से फासला रखने की, और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो उन्हें अडॉप्ट करने की सबसे ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। और प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए ये रिकमेंडेड है कि जो फ्लू की, आम फ्लू की जो वैक्सीन है वो अपनी प्रेगनेंसी में लाजमी लगवाएं, ताकि खुद वो फ्लू वगैरह से भी बची रहें और जो बच्चा है वो पैदाइश के बाद भी कुछ अर्सा उसे इम्यूनिटी फ्लू की
अवेलेबल रहती है। हाई रिस्क जो पेशेंट्स हैं जिनमें के कोविड 19 के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो कौन से हैं? सबसे पहली बात तो ये कि 65 ईयर से ऊपर जो पेशेंट्स हैं वो हाई रिस्क हैं। इसके अलावा किसी भी एज का पेशेंट जिसका BMI 40 से ज्यादा है, मतलब जो पेशेंट बहुत ज्यादा मोटा है, ओबीस है, उसमें भी कोविड 19 के बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को दिल की बीमारी या शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर लंग्स की जैसे अस्थमा वगैरह की कोई बीमारी है, उनमें भी इसके बहुत ज्यादा खराब हो जाने के चांसेस होते हैं। तो ये चंद एक बातें थी जो कि आपसे शेयर करना चाहिए, जो लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे उसके मुताबिक मैंने आपसे शेयर की हैं। इसके अलावा आप कोई चीज मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।